कीबोर्ड में होम बटन एंड एंड बटन का यूज कैसे कैसे करते हैं और जनरली इसका क्या यूज है। दोस्तों, आज मेरा टेक की तरफ से आप सभी दोस्तों को नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें होम बटन एंड बटन का कंप्यूटर में कहाँ कहाँ यूज होता है। इसके द्वारा हम बहुत सारे काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और साथ ही आपको ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप अपना काम आसानी से कर पाएंगे। चलते हैं स्क्रीन की ओर। मैं आपको कंप्यूटर में वर्ड में एक फाइल खोल रखी है जिसमें 6000 पेज की फाइल है और हम इस फाइल को पढ़ते पढ़ते या देखते देखते या स्क्रॉल करते करते लमसम 1300 पेज पर चल जाते हैं। वापस फर्स्ट पेज पर आना है, माउस के द्वारा स्क्रॉल करते हैं, टाइम लग जाता है और हाथों में भी दर्द होने लग जाता है। कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस होम बटन पर क्लिक करते हैं, फर्स्ट पेज पर चले जाते हैं, देख सकते हैं। सबसे लास्ट वाले पेज पर जाना है, कंट्रोल प्लस एंड का बटन दबाते हैं, लास्ट वाले पेज पर चले जाते हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जैसे हम वर्ड में टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर कर्सर है, इसके बाद जैसे ही इसको होम पर क्लिक करेंगे ये लाइन के फर्स्ट में आ जाएगा। शिफ्ट के साथ में कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम क्लिक करते हैं, ऊपर वाले सभी पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर है, नीचे वाले पार्ट को पूरा सिलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड बटन क्लिक करिए तो आपका नीचे का पूरा पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। होम पेज पर हैं और आप नीचे के पूरे पार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड बटन दबा दीजिए, नीचे का पूरा पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही इस लाइन पर है के साथ में होम बटन दबाते हैं, पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ये हमें वर्ड में या किसी भी कंप्यूटर पर किसी भी सॉफ्टवेयर में टाइप करते समय ये कमांड हमारे बहुत ही यूज करते हैं, इसका हमें ध्यान होना ही चाहिए। और इसके साथ ही जैसे ये लाइन है, इस लाइन में आप होम बटन पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में आ जाएंगे और एंड बटन पर क्लिक करेंगे तो इसके लास्ट में चले जाएंगे। इसका यूज आप ऐसे ही PDF वर्ड या वेब वाउचर में भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ये बहुत सारी फाइलें हैं दोस्तों, जैसे मैं रेगुलर काम करता हूँ, फाइल जो नेम होता है उनमें एडिट करना होता है, इस फाइल में एडिट करके एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मैं इसे रीनेम करता हूँ और हम लास्ट पे हैं और हम इसको डिलीट कर रहे हैं, आपका कर्सर यहाँ है और आपको होम में जाना है, सिंगल होम की दबाएंगे तो आप लाइन के फर्स्ट में आ जाएंगे, लेकिन आप कंट्रोल के साथ में होम की दबाएंगे तो आप इसके फर्स्ट पार्ट में चले जाएंगे। ये चीजें आपको अगर दिन भर आप फाइल का रीनेम करते हो या कुछ इसे यूज में आती है तो आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए, ये हमारे काम को बहुत ही आसान कर देती है। दोस्तों, मैंने होम बटन और डाउन बटन की नॉर्मली जानकारी दे दी है और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और साथ ही अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और बगल में बेल आइकन घंटी पर क्लिक जरूर कर देवे ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।